हाय ऑल, ब्लूम टू एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीएच सीरीज रिग्रेजुएशन बारे में, और फुल इन्फॉर्मेशन मेरे हस्बैंड आपको देंगे। आप कैसे हैं सब? सो जगन्नाथ जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सो टुडेज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस लायर आप सभी को पता है, टू इयर्स बैक लाइक 2021 में एक नया रजिस्ट्रेशन आया था, तो इस बी एस सीरीज का नंबर लिए थे, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या नहीं, तो क्यों फ़ायदेमंद है, ये सभी का बारे में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि इस वीडियो में नहीं, मैं इसके लिए नया वीडियो बनाऊँगा, तो वो आपको फुल इन्फॉर्मेशन देगा। ये बी एस सीरीज क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, और कैसे करना है, कैसे फ़ायदेमंद है, क्या नहीं, ये सब दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन टुडे का जो टॉपिक है वो बी एस सीरीज री रजिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने भी बी एस सीरीज का नया नंबर लिया है, उनका टू ईयर्स कम्प्लीट होने वाला है, तो उनका मन में बहुत सारा सवाल आता है। तो लेट्स डिस्कस विथ, आप जब देखेंगे ये है आपका बी एस सीरीज, लाइक मैंने लिया था 2022 में, सो इट इज 22 बी एच सम नंबर देयर। सो मेरा भी टू इयर्स कंप्लीट होने वाला है, सो कमिंग सम मंथ्स, तो हम इसको कैसे करेंगे, क्या नहीं, मैं इसे आपके बारे में बताऊंगा। लेट्स डिस्कस ऑन दैट। बी एस सीरीज री रजिस्ट्रेशन, हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सो जिन्होंने भी बी एस सीरीज का रजिस्ट्रेशन वाला गाड़ी लिया है, आइदर इट इज़ ए बाइक और इट्स ए कार, उनका मन में बहुत सारा सवाल आता है, जैसे मैं बी एस सीरीज का रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरा पहले वाला जो कंपनी था उसमें वो फोर लोकेशन में था, फोर स्टेट में था, तो अभी जो मैं लोकेशन फॉर एग्जांपल में चेंज किया हूँ, उनका फोर स्टेट में नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन ठीक टाइम में नहीं किया हूँ, तो एज पर रूल मेरा पर डे 100 रुपीज़ कुछ फाइन आएगा, और बहुत सारा सवाल हमारे मन में आता है। और दूसरा चीज़ है कि मुझे आरटीओ फिर से जाना पड़ेगा, आरटीओ में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहे लगेगा उसके बारे में, इस तरह बहुत सारा सवाल आता है। और एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारा इन्फ्लुएंसर है और यूट्यूबर है, वो आपको बहुत सारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं उनका व्यू बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो एनी हाउ मेरा जो गाड़ी है, मेरा तो बी एस सीरीज का नंबर का रजिस्ट्रेशन है, तो मेरा जो अभी मैं 2022 में लिया था, अभी कुछ महीना के बाद वो टू ईयर कम्प्लीट होने वाला है, तो उसी के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा इस वीडियो में। इस टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको सिंपल सा जिनको बी एस सीरीज के बारे में पता नहीं, मैं उसको बताता हूँ। बी एस सीरीज एक ऑल इंडिया परमिट नंबर है, तो आप जो भी स्टेट में जा सकते हैं विदाउट एनी परमिशन आप ट्रैवल कर सकते हैं। जिनका बेसिकली ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2021 में, उस टाइम क्या वो सभी को देख के इम्प्लीमेंट किया गया था, जिनके जॉब ट्रांसफरेबल है, और वो क्या करना है, एवरी सम इंटरवल दे आर गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स, एंड अभी हम एक दूसरा स्टेट में जाएंगे तो क्या होता है, तो उस स्टेट का हम कुछ नया टैक्स है, उस टैक्स को रोड टैक्स देना पड़ता है, और हम जो नया पुराना हमारा जो गाड़ी एग्जिस्टिंग स्टेट का है, हम उसका एनओसी लेते हैं और वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, और रिफंड बहुत सारा प्रोसेस लगता है, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको मैं दूसरा वीडियो में बताऊँगा बी एस सीरीज के बारे में, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस था बी एस सीरीज में कैसे लिया था उसके बारे में आपको बताऊँगा। सो अभी हम जाते हैं कैसे बी एस सीरीज री रजिस्ट्रेशन, चलो हम आपको करके बताऊँगा। सो पहले मैं बताता हूँ बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है। तो बेसिकली हम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय का जो है उनका मन में जो सवाल आता है आपको पहले मैं बताता हूँ, उनका जॉब चेंज हो गया, उनका पास फॉर्म 16 फिर से लाना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए आपको, किसी भी डॉक्यूमेंट और फॉर्म फिर से लाने का ज़रूरत ही नहीं है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
उनका तो नॉर्मली वो आईडी कार्ड है, वो भी उनका फिर से देखा और डिपॉजिट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली अभी वाहन पोर्टल में जाइए, कैसे होता है क्या नहीं हमको बताता हूँ। देखिए, जैसे हम लास्ट टाइम को बताए थे कि हमको हमारे पास जो बी एस सीरीज का रजिस्ट्रेशन है तो उसको री रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वो ये बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको आपका ब्राउजर ओपन करना है, गूगल क्रोम और जैसे आपका क्रोम और एज एनी ब्राउजर यू कैन ओपन। उसके बाद क्या करना है, आपको परिवहन सर्च करना है यहाँ पर, ठीक है। परिवहन डॉट गॉव इन इस साइड में जाना है आपको। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज में आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विस में क्लिक करना है। तो आपको क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ स्टेट्स दिखाएगा। आपको आप जो जो भी स्टेट से गाड़ी आप लिए हैं और जो भी स्टेट से गाड़ी को रजिस्ट्रेशन किए हैं वही वाला स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं उड़ीसा से गाड़ी लिया था, जो उड़ीसा का एक स्टेट है जो पहले ही ये बी एस सीरीज का रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो अभी मैं उड़ीसा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका कॉरस्पॉन्डिंग आर टी ओ है, तो आपका जो स्टेट में कौन सा आर टी ओ में आपका गाड़ी रजिस्टर है तो वो वाला आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया भुवनेश्वर टू। उसके बाद मैं चेक पोस्ट क्लिक किया, उसके बाद मैं प्रोसीड किया। तो प्रोसीड करने के बाद आपको इस तरह टॉप अप आएगा, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आएगा कि पेड योर टैक्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या, आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका चेसिस नंबर का लास्ट 5 कैरेक्टर देना है। तो यहाँ पर मैं मेरा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैरेक्टर यहाँ पर देता हूँ। उसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल्स करना है, तो वेरीफाई हो गया तो इसके बाद आपको सबमिट करना है। आप यहाँ पर जो सबमिट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल आपको टैक्स दिखाएगा, कितना टैक्स आपको पे करना है क्या नहीं, कितना आप किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको सिलेक्ट करना लम सम ऑफ 2 ईयर्स। तो सिलेक्ट करने के बाद ये आपको इस तरह का विंडो आएगा और आपको दिखाएगा आपको कब टैक्स पे करना है और आपका टोटल अमाउंट क्या है। आप पहले से भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले से भी आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रोल नीचे स्क्रोल करना है, पेमेंट करना है। सो पेमेंट करने के बाद ये आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना है, उसके बाद आपको कन्फर्म पेमेंट करना है, ठीक है। सो कन्फर्म पेमेंट करने के बाद ये आपको गेटवे आएगा डिफॉल्ट IFMS और आपको टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। सो कंटिन्यू करने के बाद ये आपको डिटेल्स दिखाएगा, हेड ऑफ अकाउंट कौन सा अकाउंट में जाना है, यहाँ पर आपको डिपोजिटर नेम डिफॉल्ट सब आ जाएगा आपका, ठीक। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद ठीक है ये टोटल आएगा। यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, आपका डेबिट कार्ड है और नेट बैंकिंग है और UPI है और वॉलेट है, तो आप कहाँ पर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप आपका पेमेंट करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा बिल्डेक्स में सिलेक्ट करूँगा। बिल्डेक्स सिलेक्ट करना है, मेरा टोटल डिटेल्स दिखाएगा, मेरा रिमार्क्स दूंगा और उसके बाद मेरा जो कैप्चा आएगा वो वाला भी मुझे कैप्चर को तो रिमार्क्स में देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टैक्स BS series तो कैप्चा आएगा
प्रोसीड करने में करता हूँ। उसके बाद आपसे उसको क्लिक करना है, उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट को जाना है। सो यहाँ पर आएगा यू विल बी रिडायरेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग हटाओ तो पेमेंट देते हो। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको आपका बैंक चूज करना है और आपको पेमेंट करना है। ओके, तो जरूर क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या करेगा, आप रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट जाएगा। अभी यहाँ पर हमको आप क्या करना है, जो भी बैंक से आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है नेट बैंकिंग के जरिए से, यहाँ पर आपको वो वाला बैंक सिलेक्ट कीजिए और पेमेंट कीजिए। वहाँ से आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आपको रिसिप्ट जनरेट होगा। तो इस तरह आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है, तो इसमें कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप लेकिन बहुत सारा लोग तो बोलते हैं, ऐसा कुछ ध्यान देने का नहीं है। अब इसी प्रोसेस से जाइए और आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कर कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है और डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। मैं आपको वाला आपको मेरा पास जो भी आंसर है मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगा। तो आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्राई और शेयर कीजिए। तो इस वाला जो एक बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे और बहुत सारे लोग इसे उपकृत हो। थैंक यू।